नेक्स्ट हम पाइला के अंदर बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पाइला के अंदर अगर मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊं तो पाइला जो होता है वो मोनोशियस एनिमल होता है। मोनोशियस का मतलब होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल जो होते हैं वो दोनों ही अलग अलग होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों जेंडर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मेल पाइला अलग और फीमेल पाइला अलग। अगर हम इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और फीमेल के अंदर क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहला इसके अंदर एक टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा इसके अंदर आता है वास डिफरेंस। उसके बाद में आता है इसके अंदर पॉपुलेटरी ऑर्गन। थर्ड इसके अंदर आता है पॉपुलेटरी ऑर्गन, और फोर्थ इसके अंदर आता है हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। वही अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर क्या जाएगी, ओवरी। ओवरी के बाद में ओविडक्ट। थर्ड इसमें आ जाता है सेमिनल रिसेप्टिकल। फोर्थ इसके अंदर आ जाएगा यूट्रस, फिर वजाइना। उसके बाद में इसके अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन इसमें भी पाए जाते हैं लेकिन ये लेस डेवलप्ड होते हैं, और इसके अलावा मैं लास्ट में इसके अंदर भी हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड पाई जाती है। हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। तो मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर टेस्टिस, वास डिफरेंस, कॉपुलेटरी ऑर्गन, हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड इसके अंदर पाई जाती है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ओवरी, ओविडक्ट, सेमिनल रिसेप्टिकल, यूट्रस, वजाइना, कॉपुलेटरी ऑर्गन और हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड इसमें भी पाई जाती है। लेकिन जो कॉपुलेटरी ग्लैंड, कॉपुलेटरी ऑर्गन और जो हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड होती है वो फीमेल के अंदर लेस डेवलप्ड होती हैं। अगर हम इनके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। अब अगर मैं दोनों के डायग्राम की अगर बात करूँ तो दोनों के डायग्राम जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अब अगर मैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करती हूँ तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है पाइला के अंदर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है उसमें उसके नीचे की तरफ और पीछे की तरफ उसमें टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस जो होता है वो उसके अंदर एक ही होता है। यह इस टेस्टिस के नीचे की तरफ एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर निकलती है। इस ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। ये जो वास डिफरेंस होती है, ये वास डिफरेंस इसको हम तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। जो ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है जो कि टेस्टिस से जुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं थिन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ वास डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से जो पार्ट निकलता है वो थीन होता है और ट्यूब के रूप में होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होती है वो उसकी बनी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है थीन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ वास डिफरेंस। बीच में जो ये वास डिफरेंस होती है, बीच में ये वास डिफरेंस आकर के सेमिनल वेसिकल से जुड़ती है। सेमिनल वेसिकल जो होती है मूवी हुई ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो होती है छोटी सी स्ट्रक्चर के रूप में बनी हुई रहती है। सेमिनल वेसिकल का काम होता है कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो स्पर्म जब वास डिफरेंस के द्वारा आते हैं सेमिनल वेसिकल स्पर्म को स्टोर करके रखता है। आगे की तरफ ये वास डिफरेंस जो होती है, ये वास डिफरेंस एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाती है, इस तरह की ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर मतलब ग्रंथिनुमा संरचना जो बनती है। इस तरह की इसके अंदर क्या बन रही है, ग्रंथिनुमा संरचना बनती है, ग्लैंडुलर पार्ट बन रहा है। इस पार्ट को बोला जाता है ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ वास डिफरेंस। ये ग्लैंडुलर पार्ट जो होता है ये वास डिफरेंस आगे की तरफ जाकर के मेल जेनिटल पोर के अंदर खुलती है, और इसके पीछे की तरफ क्या पाया जाता है, रेक्टम वाला जो पोर्शन होता है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास होती है, पीछे की तरफ इसके रेक्टम पाया जाता है। और आगे की तरफ ये ट्यूब जो होती है वो किसमें आकर खुलती है, मेल जेनिटल पोर के द्वारा खुलती है। ये मेल जेनिटल पोर क्या करता है, स्पर्म को बॉडी से बाहर रिलीज करने का काम करता है। तो टेस्टिस इसके अंदर सिंगल टेस्टिस होता है। टेस्टिस की पोजीशन जो होती है तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास में ये पाया जाता है।
ये टेस्टिस जो होता है ऐसे दाना दाना के रूप में उभरा हुआ रहता है। इन टेस्टिस से क्या होता है, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं। वास डिफरेंस तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है। ऊपर वाला पार्ट जो टेस्टिस से जुड़ा हुआ थीन ट्यूबुलर पार्ट कहलाता है वास डिफरेंस का। नीचे की तरफ ये सेमिनल वेसिकल से जुड़ती है। सेमिनल वेसिकल स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है। और फिर पीछे की तरह ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको वास डिफरेंस का ग्लैंडुलर पार्ट बोला जाता है। फिर ये ग्लैंडुलर पार्ट जो होता है मेल जेनिटल पोर के द्वारा बाहर खुलता है। तो ये तो हो गया टेस्टिस और वास डिफरेंस। अब अगर हम थर्ड इसके अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप में पाइला के अंदर जो ऑर्गन पाया जाता है उसे हम बोलते हैं पेनिस। पेनिस की स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस तरह की बनी हुई होती है जो कि एक कवरिंग के द्वारा कवर्ड रहती है। पेनिस जो होता है पेनिस शीथ के द्वारा कवर्ड रहता है। और इसी के नीचे की तरफ एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोला जाता है हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। ये पाइला के अंदर पाई जाती है और ये क्या करता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप में काम आता है। अब अगर हम इसके अंदर स्पर्म की बात करते हैं कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म जो बनता है तो पाइला के अंदर दो तरह के स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एक इस तरह का ही जो स्पर्म होता है जो कि पतला सा होता है, ये इसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है हेड वाला पार्ट। इसके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है और नीचे की तरफ ये जो पार्ट होता है ये होता है टेल वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले स्पर्म को बोलते हैं यूपाइरिन स्पर्म बोला जाता है। और दूसरा जो होता है जो कि थोड़ा सा ऐसा मुड़ा हुआ सा स्पर्म के फॉर्म में होता है, दोनों ही तरह के स्पर्म जो होते हैं वो पाइला के अंदर बनते हैं। तो जो मुड़ा हुआ जो स्पर्म होता है उसको हम बोलते हैं ओलिगोपाइरिन स्पर्म। ठीक है, तो पाइला के अंदर इक्वेशन पूछ सकते हैं कि पाइला के अंदर स्पर्म जो होते हैं वो कितने तरह के। पाइला के अंदर दो तरह के स्पर्म बनते हैं, यूपाइरिन स्पर्म और ओलिगोपाइरिन स्पर्म। दोनों के अंदर ही हेड होता है ऊपर वाला, बीच के सेंटर वाले पार्ट में इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और पीछे की तरफ टेल होती है। यूपाइरिन में सिंगल टेल होती है जबकि ओलिगोपाइरिन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर टेल जो होती है वो ब्रांच के रूप में रहती है। अब अगर हम सेकेंड बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम पोजीशन देखेंगे तो वो पोजीशन भी सेम होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड के पीछे की तरफ। कहाँ पर होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के वहाँ पर ये ओवरी पाई जाती है। ओवरी और टेस्टिस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जिस तरह का टेस्टिस बना होता है उसी तरह की ओवरी भी बनी हुई होती है। इस ओवरी से एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। ये ओविडक्ट क्या करती है, इस ओवरी के अंदर जो एग का फॉर्मेशन होता है उनको कैरी करने का काम करती है। उनको ये ओविडक्ट जो होती है कहाँ लाती है, नीचे की तरफ सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर लाती है। और सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर इनको एग को स्टोर करती है। सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर ही क्या होता है कि जब इनके अंदर कॉपुलेशन होता है तो स्पर्म जो होती है मेल वो सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर रिलीज करता है। यहाँ पर फ्यूज़न होता है एग का और स्पर्म का और उसके बाद में यूट्रस के अंदर इसमें डेवलपमेंट होता है। सेमिनल रिसेप्टिकल के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सेम का बीज जो होता है, ठीक है, इस तरह का जो सेम का बीज जो बना होता है ना किडनी लाइक, वो किडनी लाइक बीज के आकार का सेमिनल रिसेप्टिकल इसमें बना होता है जो एग को रखता है। पीछे की तरफ सेमिनल रिसेप्टिकल के पीछे की तरफ फूली हुई सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्या होता है, जब एग फ्यूज हो जाते हैं फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं तो उसके बाद में इस यूट्रस के अंदर ही क्या होता है, इनका डेवलपमेंट होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है पाइला के अंदर। फिर ये यूट्रस जो होते हैं ये आगे की तरफ क्या होते हैं, वेजाइना में खुलते हैं। और वेजाइना जो होती है फीमेल जेनिटल पोर के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। अगर इनके अंदर एग की अगर हम बात करें, एग की स्ट्रक्चर देखें तो एग जो होते हैं राउंड शेप के इस तरह से क्लस्टर के रूप में पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है क्लस्टर ऑफ एग। इस तरह के एग जो होते हैं ये पूरे गुच्छे के रूप में एग भरे हुए रहते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, इंटरनल होने की वजह से क्या होता है उसके बाद में डेवलपमेंट जो होता है वो यूट्रस के अंदर कंप्लीट होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात करें तो कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होते हैं फीमेल के अंदर लेस डेवलप होते हैं और हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड जो होती है वो भी लेस डेवलप होती है। अब अगर इनके अंदर बात करूँ कि कॉपुलेशन का टाइमिंग जो होता है तो वो रेनी सीजन जो होती है वो तब उनके अंदर कॉपुलेशन होता है। तब क्या करते हैं, एग का फर्टिलाइजेशन होता है। एग का फर्टिलाइजेशन होने के 3-4 दिन बाद जब जायगोट जब बन जाता है तो उसके बाद में जो फीमेल पाइला होती है वो क्या करती है, इसके फुट के द्वारा, फुट मतलब जो उसका जो पैर वाला जो पोजीशन होता है
पाइला के अंदर फुट वाली जो संरचना पाई जाती है वहाँ से क्या होते हैं इनके एग जो होते हैं फर्टिलाइज्ड एग वो बाहर निकलते हैं, जो जायगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में वाटर के अंदर इनका डेवलपमेंट शुरू होता है। तो इस तरह से इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है। थैंक यू।